गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक फॉर टुडेज क्लास. वी वेर डिस्कसिंग वीमेन एंड रिलीजन इन लास्ट क्लास. टुडे वी विल डिस्कस येट अनदर इम्पोर्टेंट इशू, दैट इज वीमेन एंड कास्ट. आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है, ठीक है. उसको अच्छी तरह सुनना और एनालाइज करना खुद. मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो सब ठीक है या नहीं, मैं जो बोलूँगा वही सही होगा ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है. क्योंकि तुम सबका भी लॉजिकल पावर है, जज करना है सही या गलत, ठीक है. तो उसी को हम डिस्कस करेंगे. वीमेन एंड कास्ट. वीमेन तो पता ही है, औरत. और कास्ट क्या होता है, ये खास करके हमारा भारत में प्रिवलेंट है. कास्ट कितना कास्ट होता है हमारे भारत में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार कास्ट है. ब्राह्मण को कौन होता है और क्या काम उनका, पूजा करना है, पूजा पाठ करना है, वही उनका काम है. और क्षत्रिय मतलब योद्धा, फाइट करेगा, सैनिक में जाएगा, देश का रक्षा करेगा, वही क्षत्रिय. और वैश्य कौन है, जो बिजनेसमैन, सब तरह का बिजनेस करेगा, देश के लिए लेन देन, इधर से उधर से यहाँ, तो वो बिजनेस करेगा सबके लिए, देश का उन्नति करेगा. और शूद्र होता है इस तीन ग्रुप का देखभाल करने का, इस तीन ग्रुप का सेवा करना है, वही उनका काम है शूद्र, ठीक है. तो ऐसा हो गया था कि कास्ट को इतना स्ट्रिक्ट हो गया था, मतलब वो शूद्र सबको बहुत तुच्छ दृष्टि से देखते थे, नीच दृष्टि से देखते थे, क्योंकि वो लोअर कास्ट है. एक्चुअली ये जो कास्ट सिस्टम का जो तैयार किया है उसका मेन मकसद क्या है, एक्चुअली एक दूसरों को डिस्क्रिमिनेट करना नहीं था उनका इंटेंशन. कास्ट जो सृष्टि जब किए थे उनका इंटेंशन थे क्या है, हर एक आदमी तो सब काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए एक्चुअली वो डिवाइड किया गया था. ये कोई जो पूजा पाठ में एक्सपर्ट रहेगा वो पूजा करेगा, और जो सैनिक के लिए फिजिकली फिट, दौड़ने का दिमाग का तेज, शूटिंग में एकदम शार्प पॉइंट टू पॉइंट मारेगा, तो वो सबको सैनिक में जाना है, देश का रक्षक करना है. और जो बिजनेस में अच्छा करता है, जो बिजनेस का टेक्टिक, मैनेजमेंट स्किल्स और कैसे कस्टमर के साथ डील करना है, कैसे हिसाब करना है, कैसे परसेंटेज निकालना है, ये सब जिसको आता है और जो एक्सपर्ट है, ये सब को एक्चुअली बिजनेस में होना चाहिए. और ठीक है, इस तीनों में कुछ भी नहीं आ रहा है तो ये सर्विस करना है सोसाइटी के लिए, मतलब इस तीन ग्रुप का सर्विस करना है, उसका मकसद नहीं था ये शूद्रों का, मतलब ये जो फिजिकल लेबर करने का था उनका,
ठीक है। एक्चुअली हमारा इधर तो कास्ट सिस्टम उतना दिखाई नहीं देता है, तो हमको शायद पता नहीं चलेगा, और हम पता भी नहीं चलता है एक्चुअली। अभी भी हम देखते हैं ना, जो फिजिकली फिट होता है तो हम सैनिक में ज्वाइन करते हैं, और जो पढ़ाई में अच्छा रहता है वो मान ले कॉलेज में या स्कूल में टीचर का नौकरी कर लेते हैं, और जो पढ़ाई करने के बाद कॉमर्स पढ़ते हैं तो जो बिजनेस का इंटरेस्ट है और आता भी है कैसे डीलिंग करने का, तो वो लोग बिजनेस कर लेते हैं। और जिसको कुछ नहीं आता है क्या करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, दूसरों का घर में जाके काम करते हैं, खेती करते हैं, रेगा का काम करते हैं, रास्ते साफ करते हैं। एक्चुअली कास्ट डिवाइड करने का ऐसा मकसद था, लेकिन बाद में इतना स्ट्रिक हो गया था कि एक कास्ट दूसरे कास्ट से मतलब दूसरी नज़रिए से देखते थे। ठीक है, तो हम आज देखेंगे और डिस्कस करेंगे कौन सा वाला, ये वीमेन और कास्ट। हम सबको पता है हमारा इंडिया में, भारत में औरत सब सबको डिस्क्रिमिनेशन सहना पड़ता है। गरीब घर का औरत हो, अमीर घर का औरत हो, मिडिल क्लास का औरत हो, सबके सब डिस्क्रिमिनेशन सहते हैं। फिर भी ये जो दलित्स जो बोलते हैं, शूद्रस जो बोलते हैं, अनटचेबल जो बोलते हैं, कभी कभी एसटीज भी उसमें आ जाता है, तो ये सब का जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उनके ऊपर वो ज़्यादा है। कैसे ज़्यादा है वो हाँ देखेंगे हम। उनका डिस्क्रिमिनेशन तीन प्रकार का होता है, तीन और ट्रिपल है, मतलब दूसरों औरत से जो दलित औरत लोगों का डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा है। कैसे, एक तो सोसाइटी से उनका डिस्क्रिमिनेशन होता है, और उनका समाज से भी और लोगों का टॉर्चर होता है, मतलब डिस्क्रिमिनेशन होता है, मतलब दलित समाज से। और तो उनका घर से भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, घर में मतलब पति से या घर का भेटा से, हाँ? तो उनका जो डिस्क्रिमिनेशन है उनके ऊपर वो ट्रिपल हो गया। दूसरों का तो मानने के चलिए उनका समाज से हो सकता है, घर में नहीं हो सकता है, और घर में हो सकता है दूसरा कास्ट लोग उनको हार नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हम जो डिस्कस कर रहे हैं ये कास्ट वाले दलित्स वाले उनका टॉर्चर और डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा है। ठीक है, तो हम देखेंगे क्या होता है एक्चुअली नॉर्मल सिचुएशन में। मैंने भी एक्चुअली मेरे आंखों से इसे टॉर्चर होते तो नहीं देखा, लेकिन किताब में पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं, पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, और तो और सुनने भी मिलता है। वो सब झूठ नहीं हो सकता है, हकीकत है। किताब में जो लिखा रहता है उनका स्टोरीज बायोग्राफीज रहते हैं, दलित वीमेन लीडर्स उनका बायोग्राफीज रहता है, वो सब एक्चुअली रिकॉर्ड किया जाता है। मूवी देखे क्या पता नहीं, वो शूद्रा बोल के एक द राइजिंग ऑफ शूद्रा बोल के देख लो, वो बहुत अच्छी मूवी है। उसमें
दलित लोगों के ऊपर कैसे अत्याचार किया जाते हैं वो सब पोर्ट्रे करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है एक्चुअली दलित वीमेन उनको एक्चुअली कैसे टॉर्चर होता है, एक्चुअली पब्लिक में रास्ते में उनको नंगा घुमाते हैं जैसे कि वो इंसान नहीं है, पारे दे नेकेड बाल काट देते हैं और पब्लिक प्लेस में पति के साथ लो सोलो और लड़का के साथ सो बोल के ऐसा ट्रीट करते हैं। रेप विक्टिम्स, कौन ज़्यादा रेप विक्टिम्स है दलित सेक्शन ऑफ सोसाइटी से, और दलित लड़कियों छोटे छोटे लड़कियों उनको ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए ले जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है हाई कास्ट आदमी सब दलित औरत सबको रेप करते हैं। इसमें मुझे तो एक बात समझ में नहीं आता है, एक तरफ तो तुम बोलते हो वो सब अनटचेबल है, तो जब रेप करते वक्त टच नहीं करते हो क्या? ये सब सोचने की बात है। और ऐसे एक इंसिडेंट हो गया था, इंसिडेंट मैंने पढ़ा था किताब में, एक गांव में हाई कास्ट लड़का और दलित लड़की प्यार करते थे। तो एक दिन क्या हो गया था, उनका गांव वाले पकड़े उनको, तो विचार किए ये तो नहीं हो सकता है, तो क्या करेगा, उनको फाइन दिया है कितना 30,000 या 40,000 फाइन दिए है। वो लड़का ने तो दे दिया तो उसको छोड़ दिया, लड़की नहीं दे पाई, दलित लड़की कहाँ से देगी इतना पैसा। तो क्या क्या वो सरपंच और उनके गांव वाले पूरा उसके साथ सोए, रेप किए, ये तो ना इंसाफी हो। ये तो ऐसे होता है, कहीं कहीं जगह पे ऐसे ही टॉर्चर करते हैं और डिस्क्रिमिनेट करते हैं। सोचते हैं क्या ये दलित लड़कियाँ बारोद सब अवेलेबल है, मतलब सेक्स के लिए अवेलेबल है, तुम तो वो लोग चाहते हैं वो कुछ भी कर सक, कुछ भी करो कुछ नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं होता है। वो सब भी इंसान है, उनका भी इमोशंस है, आप और मैं जैसे उनका भी इमोशंस है, फीलिंग्स है, लेकिन सिचुएशन उसको मजबूर करती है मुंह बंद करने के लिए। वो कंप्लेन भी नहीं लिखा सकते हैं, कंप्लेन लिखाने जाते भी कोई उनका कंप्लेन नहीं लेते हैं। मैं मानता हूँ ठीक है, उनको उनका अपीयरेंस बहुत शेवी होता है, मतलब बहुत गंदे दिखते हैं, साफ सफाई नहीं रहते हैं, लेकिन क्यों उनके पास तो जो साफ सफाई करने के लिए जो रिसोर्सेस लगता है वो कहाँ से मिलते हैं उनको? उनको रिसोर्सेस दे दो वो भी साफ रहेंगे आप और मेजे से, ठीक है। तो हमारा टाइम हो गया, तो वैसे सोचना है, पढ़ो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट दलित वीमेन, अभी तो सब कुछ मिलता है इंटरनेट पे, पढ़ो तुम लोग, सीखो हमारा देश में क्या हो रहा है। एक दो या 5 साल से पहले हम देखे थे गुवाहाटी में एक औरत कैसे नंगा घुमा रहे थे, टीवी पे मोबाइल पे पेपर पे सब कुछ लिखे थे, ये सब हकीकत है, हमारा आसपास नहीं हो भी सकते लेकिन होता है ऐसा सिचुएशंस, डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है। आज इतना है, इतना रहेगा, और तुम लोग अच्छे से रहो, घर में रहो और सुस्त रहो। ओके, बाय।